आरक्षण का बहुत जरूरत है। आरक्षण के बिना महिला को समुचित प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं है। ये सवाल उस पार्टी से पूछना है जिसका अध्यक्ष महिला है, जो महिला सरकार चला रहे केंद्र में। उन्होंने 2004 का चुनाव में वादा किया, सत्ता में आए तो महिला आरक्षण विधेयक लाएंगे। 9.5 साल पूरा हो गया, वो वादा पूरा नहीं कर पाया। कांग्रेस पार्टी हमेशा विश्वासघात करते हैं। उन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा कहा, वो भी नहीं कर पाया। और उन्होंने कहा 100 दिन में विदेश में जो काला धन है उसको वापस लाएंगे, वो भी नहीं कर पाया। और उन्होंने कहा स्वामीनाथन कमीशन का जो सिफारिश है खेती के बारे में, वो भी नहीं कर पाया। एक भी वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं कर पाया और इसलिए उनको वोट मांगने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। आज आपने देखा होगा भ्रष्टाचार से तो लड़ना का सवाल नहीं है, भ्रष्टाचारी को हमेशा ये सरकार समर्थन करते रहा। इस सरकार का प्रधानमंत्री सीबीआई को ऐसा आदेश ऐसा उपदेश देते और उनका जो आजकल जो वित्त मंत्री है श्री चिदम्बरम जी, उन्होंने तो धमकी दिया सीबीआई को, उन्होंने सीबीसी को और सीबीआई को और सीएजी को कहा अपना अपना लिमिट्स में रहो। इसका अर्थ क्या है? मगर उसके ऊपर दबाव डाल रहे कि अपना विफलता को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह प्रयास कर रहे। सीबीआई को उन्होंने कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया, उसका पूरा प्रतिष्ठा डूब गया। हम जब आए तो ये सब केसेस को हम आगे ले जाएंगे, सीबीआई को इंडिपेंडेंस देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक ही मुस्लिम को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में, क्या कारण है सर? 12 से 15 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रभावित कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर कारण क्या है? जितना आटा उतना रोटी, जितना लोग बीजेपी में आए उतना प्रोत्साहन हम दे सकते हैं। इसलिए मेरा प्रार्थना है मुस्लिम समाज से, आप सब लोग नजदीक आइए, बीजेपी को समर्थन दीजिए, आगे भी समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बीजेपी कोशिश करेंगे। ये कमजोरी है मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मगर साथ ही साथ जैसा मैंने कहा ना, जितना आटा उतना रोटी, लोग नजदीक आए, पार्टी में शामिल हो जाए, पार्टी का कार्यकर्ता बने, तो ऑटोमेटिकली उनको टिकट देने में हमको भी सुविधा होगा। इसलिए इस विषय को भी मुसलमान समाज समझ के भारतीय जनता पार्टी को, और जो आपका शिवराज जी ने 5 साल में 10 साल में जो अच्छा काम किया उसको भी देखिए। किसी का अनदेखा किया नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखाया, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है सभी समाज भारतीय जनता पार्टी को शिवराज जी को समर्थन। बालिकाओं के अंदर साथ भी प्रज्ञा के खिलाफ है, नहीं कर पाए।